हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर एके सिंह और आज फिर हम अपने सी टेट की तैयारी करेंगे, यानी सी टेट सी डी पी की तैयारी करेंगे। और सी टेट अंतिम 7 दिन में आपके क्या करेंगे, आज हम सी डी पी का लास्ट रिविजन देखेंगे और कल से आपका क्या है, आपको सारे टैग वर्ड्स करा के और सारी चीज़ें करा के कहीं ना कहीं हम चलेंगे अपने प्रैक्टिस पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम देखते हैं कहीं ना कहीं क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें आपको बताने लायक है। देखो, जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपको ज़्यादातर कंप्लीट करा दिए, तो आज मैक्सिमम एक या दो टॉपिक बच रहा होगा जो कहीं ना कहीं आपका बचता है। यानी कि जैसे पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत ये सारे कंप्लीट करा दिए थे, और आपका सामाजिकरण कंप्लीट करा दिया है मैंने, जो आपका क्वेश्चन आता है अधिगम अक्षमता करवा दी है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और जिसने नहीं देखी है वो जाके चैनल पर जाकर वीडियो देखे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले आज देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे। देखो, आपको ये पता होना चाहिए जब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले, सबसे पहले तो होपलेस नहीं होना है। पैडागोजी में आपको क्वेश्चन 15 यानी कि 15 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 15 क्वेश्चन और आपके 15 क्वेश्चन थ्योरी के, तो 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन को छोड़कर आपके सारे 25 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कहीं ना कहीं आप अगर पढ़े हो, यानी पढ़ लिख कर आप क्या है आए हो, प्रैक्टिस करके आए हो, पढ़ लिखने के बाद प्रैक्टिस करके आए हो, तो आप क्या कर पाओगे, इस चीज़ को सॉल्व कर पाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आजकल जो चल रहा है ट्रेंड रचनात्मक आकलन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आपको पता होना चाहिए। देखो, रचनात्मक आकलन जो मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया भी होगा आकलन के बारे में, आकलन और मूल्यांकन दोनों चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। यानी कि आकलन आपको मिलेगा, आकलन और मूल्यांकन, ठीक है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक क्या है आकलन, एक क्या है आपको आंक रहा है, और एक क्या कर रहा है आपका मूल्य कर रहा है कि क्या है, जैसे कि आप कर रहे हो आंक, ये सेब अच्छा है, ये सेब अच्छा है, तो ये आप कर रहे हो आकलन, ठीक है। और जब मूल्यांकन कर रहे हो यानी कि उसका क्या है, एक तरह से उसके मूल्यवान है या नहीं, इस तरह से आप कर रहे हो आकलन और मूल्यांकन दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा आकलन और मूल्यांकन के ऊपर, ठीक है। फिर आपको क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आपको क्या है, आपका जो मूल्यांकन यानी कि आपको मूल्यांकन हो गया, आकलन हो गया, फिर आपके क्या है सारी की सारी अधिगम अक्षमता हो गई, ये सारे के सारे आपको क्या है, फिर आपको एक चीज़ बतानी चाहिए, प्रतिभाशाली यानी कि प्रतिभाशाली जो टीचर और अध्यापक, यानी कि टीचर के ऊपर भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिभाशाली टीचर के क्या गुण होने चाहिए, एक टीचर के क्या गुण होने चाहिए, यानी कि एक टीचर के, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, एक टीचर के गुण, ठीक है, इस टीचर के यानी कि टीचर के गुण क्या है, भाई उसे अपने विषय में वो परांगत हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, वो क्या है जो क्या है क्लासरूम है एनवायरनमेंट है उसे संभाल पाए, क्लासरूम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चले, और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। फिर आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आता है समावेशी शिक्षा, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, यानी 150 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको समावेशी कक्षा के ऊपर मिलेगा। समावेशी कक्षा क्या कहते हैं, सीधे सीधे ये ध्यान रखना, मिक्स एजुकेशन, ठीक है, मिक्स एजुकेशन। मिक्स एजुकेशन का मतलब क्या है भाई, एक क्या है अक्षम बालक है और एक क्या है नॉर्मल बालक है, वो दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये दोनों टॉपिक क्या है, दो या तीन टॉपिक बच रहे थे, एक ये टॉपिक बच रहा था टीचर वाला, और एक अधिगम अक्षमता या सॉरी अधिगम अक्षर मतलब समावेशी शिक्षा के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आपका क्या है असाइनमेंट, यानी कि असाइनमेंट के ऊपर क्वेश्चन मिलता है, यानी कि असाइनमेंट, ए डबल एस आई जी एन एम ई एन टी, असाइनमेंट, असाइनमेंट के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो असाइनमेंट आपको पता होना चाहिए, असाइनमेंट के ऊपर किस क्वेश्चन पूछ लेगा भाई, प्रतिभाशाली बच्चे को असाइनमेंट कैसे देना चाहिए, इसे कैसे देना चाहिए, क्लासरूम में असाइनमेंट का निर्माण क्यों कराया जाता है, तो ये आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, जो कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको आजकल देखने के लिए मिल रहे हैं। फिर आपका क्वेश्चन, आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन आज का टॉपिक है, छोटी सी क्लास बनी आज, छोटी क्लास बनी आपके लिए, अच्छा है, मध्यान्ह भोजन, ये क्वेश्चन आपके यानी कि ये टॉपिक बच रहे थे, इन्हें कहीं ना कहीं नोट कर लेना, इनसे पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, और आपको इनसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कल से हम क्या करेंगे, कल हम तो यानी टैग वर्ड करेंगे, और परसों से हम क्या करेंगे, आपके प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखना जिससे आपको वो वीडियो मिल सके। थैंक यू।